उस बिल्लम निश्चित बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आपके डेली हॉरोस्कोप के साथ हाजिर हूँ। आज के दिन आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? एरीज यानी बुर्ज हमस से लेकर पाइसिस तक, बुर्ज हूद तक आपके लिए आज का दिन क्या असरात लेकर आ रहा है? क्या प्लैनेटरी पोजिशन चल रही है और क्या क्या मामला आपके ओवरऑल लाइफ में आज के दिन हो सकते हैं? क्या क्या आपको करना चाहिए और क्या क्या किन किन चीज़ों से बचने में आपको फ़ायदा है, एक जायज़ा लेते हैं। मुख्तसर सा एरिस, एरिस वालों के लिए आज घर के माहौल में बेहतरी आएगी। लाइफ पार्टनर के साथ जो वक्ती तौर पे किसी बात पे आपका इख्तलाफ था और थोड़ी सी सर्दमहरी आई हुई थी, वो ख़त्म होती हुई नज़र आती है। आज आपकी सेहत पे तो जो रहेगी, आज आप अपनी जो अगर कोई वर्जिश की रूटीन टूटी हुई थी तो उसको बेहतर करने में कामयाब होंगे। आज के दिन जो है वो कोई ऐसा काम जो बहुत देर से पेंडिंग चला आ रहा था, जिस पर आप तो जो दिन नहीं दे पा रहे थे, तो वो भी आज होता हुआ नज़र आता है। टॉरस, टॉरस वालों के लिए ये कि आज आपके बहुत आपके इर्द गिर्द फिरने वाले बहुत सारे लोग, आपके इर्द गिर्द रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग जो हासदीन में शुमार होते हैं, आपको वाजह तौर पर महसूस होता है कि वो अपने हसद और रुकावत आपसे रखते हैं। आज आप उनको उनकी शर से अपने आप को काफ़ी हद तक महफूज करने में कामयाब होंगे, बल्कि उनके शर का या उनकी हसद का या रकावत का या उनके बुरे रवैये का कोई ऐसे सुलझे तरीके से जवाब देंगे जैसे वो भी जो है उनको महसूस होगा कि वो जो रवैया है उनका वो गलत है। और ना सिर्फ वो होगा बल्कि आप भी अपने आप को पहले से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा एनर्जी फुल महसूस करेंगे। आज आपको दुश्मनों पर अपनी फतह होती हुई महसूस हो रही है। जेमिनी, जेमिनी वालों के लिए आज के दिन जो है वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आज आपका गुस्सा, आपके मूड में कोई सख्ती जो है वो आपके लोगों से इख्तलाफ पैदा कर सकती है। कारोबार में जो जमूर तारी हो चुका है उसको दूर करने के लिए आज के दिन आपको जो है कोई बहुत ऐसे मार्केटिंग के कोई ऐसे स्टेप्स, कोई सेल्स के ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे आप मार्केट को या अपने कारोबार को बढ़ाने में कामयाब होंगे। कैंसर, कैंसर वालों के लिए ये है कि आज आप जो भी आपके मसाइल हैं उनकी जो असल जड़ है उसको समझ जाएंगे, और आप अगर जिस वक्त मसाइल की जड़ को समझ जाते हैं तो इंसान उसको फिर उसका हल भी निकालने में कामयाब हो जाता है। तो आप जो चीज़ की तह तक पहुंचने में आज कामयाब हो जाएंगे। मामलात, मसाइल, कोई इख्तलाफात आपके चल रहे हैं तो उसमें असल क्या इख्तलाफ की वजह है उसको दरियाफ्त करने में कामयाब हो जाएंगे। तो डेफिनेटली बहुत सारे इख्तलाफात भी आज आपके ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। ल्यू, ल्यू वालों के लिए आज के दिन आपके बहुत सारे ऐसे ख्वाब, बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात, बहुत सारे ऐसे आपके जो ऐसे नातमाम जो ख्वाहिशात थी वो पूरी होती हुई नज़र आती हैं। आज के दिन अगर आप अपनी कोई ज़ाती सवारी खरीदना चाह रहे हैं, कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, मोटरसाइकिल लेना चाह रहे हैं, उस सिलसिले में भी बड़ी अच्छी पेशरफ्त होती हुई नज़र आती है। अगर गाड़ी या मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस के हवाले से आपको काम रहता है तो आप वो आज के दिन जो है आपकी मसरूफियत ये रहेगी कि जिसमें आप वो अपनी गाड़ी या सवारी की कि जो है मेंटेनेंस को भी करने की भरपूर कोशिश करेंगे और उसमें कामयाब रहेंगे। आज के दिन जो है अपनी ज़ाती ज़रूरियात की अशिया की ख़रीदारी का भी मौका मिलेगा। वर्गो, वर्गो वालों के लिए ये है कि आज किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है, किसी ऐसे दोस्त से मुलाकात हो सकती है जिसके साथ आपका बहुत अच्छा वक्त गुजरा है और वो मुखलस दोस्त रहा है, लेकिन किसी वजह से, वक्त और हालात की वजह से आपका उससे रابطہ ख़त्म हो गया था। आज वो रابطہ बहाल होता हुआ महसूस होता है। आज के दिन किसी जगह से आपको कोई बहुत अच्छा तोहफ़ा या कोई दफ्तर में अवार्ड की शक्ल में कोई चीज़ जो है वो हासिल हो सकती है। लोगों की मोहब्बतें आज साफ समेटते हुए नज़र आते हैं। लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए तबीयत में लहजे में आज के दिन जो है वो निस्बतन जो है गुफ्तगू में आज तबीयत में खुशगवारियत रहेगी। आपका आज हंसते मुस्कुराते हुए आप बातचीत करेंगे, बहुत सारे लोग आपकी गर्विदा होते हुए नज़र आएंगे। आज आपको किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिल सकता है जहाँ आपकी गुफ्तगू को लोग बहुत गौर से सुनेंगे और आप जो है उन लोगों में हर दिल अजीज़ जो है वो होते हुए नज़र आते हैं। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों के लिए ये कि आज के दिन जो है वो घर के बड़े बुज़ुर्गों, वालदैन हैं चाहे आपके बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके साथ उठने बैठने का मौका मिलेगा, उनके साथ मशवरा करने का मौका मिलेगा, उनकी जो तजर्बात हैं, उनकी जो मालूमात हैं, उनको से बहुत कुछ सीखने का जो है मौका जो है वो आपको आज के दिन मिलता हुआ नज़र आता है। रिश्तेदारों के साथ तलकात में अगर कोई ख़राबी पैदा हुई थी तो आज वो ख़राबी दूर होती हुई नज़र आती है। बहुत सारे रिश्तेदार
जिनके साथ आपकी कोई नाराज़गी थी तो आज उनके साथ सुलह होती नज़र आती है। सेक्रेटेरियस, सेक्रेटेरियस वालों के लिए कि आज आप अपने करियर में जो नाकामी का सामना था आज आप उसको दूर करने के लिए मतलब है कि एक ख़ास किस्म की एफर्ट करेंगे, भरपूर एफर्ट करेंगे, जैसे एड़ी चोटी का जोर जिसको कहते हैं लगाएंगे, और आप अपनी असल इस चीज़ को डिराइव करने में कामयाब हो जाएंगे कि आपको अपने प्रोफेशनल करियर में किस वजह से नाकामी और परेशानी का सामना है। और अगर आप उसको दरियाफ्त करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको भरपूर तौर पे मज़ीद नई कामयाबियां, तरक्कियां, खुशहालियां मिलती हुई नज़र आती हैं, नाकामियां आपसे दूर भागती हुई नज़र आएंगी। आज के दिन जो है वो जो लोग शादी के लिए ख्वाह हैं उनके लिए आज शादी के मामलों में पेशरफ्त होती हुई नज़र आती है। सेक्रेटेरियस के बाद है कैप्रिकॉर्न वाले, कैप्रिकॉर्न वालों के ऊपर से सितारों की नुसरत ख़त्म हो रही है, ख़ासतौर पर जोहल की नुसरत के साथ जो है वो मज़ीद कम हो रहे हैं। आज के दिन आप जो है वो अपनी किसी रूहानी जो है कोई रेमेडी करने से आपको भरपूर फ़ायदा होगा। अगर आप कोई लॉ बनवाते हैं या कोई आप अपना स्टोन हासिल करते हैं या आप किसी किस्म की कोई इस्तखारा के ज़रिए जो है कंसल्टेंसी लेते हैं तो उससे आपको भरपूर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। अपने बहुत सारे मसाइल मुश्किल जो हैं उनका कोई प्रॉपर रूहानी हल भी मिलता हुआ नज़र आएगा। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए आज के दिन जो है ख़ासतौर पर बच्चों के साथ तलाक़ात में जो है वो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप आज अपने बच्चों के साथ ज़रा थोड़ा सा सख्त रवैया अख्तियार करेंगे तो उनके अंदर बगावत का असर पैदा होने का अंदेशा है। एक्वेरियस, एक्वेरियस वालों के लोगों के लिए कि आज आपको लोगों को भरपूर तावन मिलेगा। अपने करीबी लोग होंगे, चाहे गैर लोग हों, चाहे आपके स्टाफ के लोग हों, चाहे आपकी फैमिली के लोग हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके मोहल्लेदार हों, आपको लोग तावन करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपके साथ अच्छा बिहेवियर होगा, आपके मनफी रवैया उनका लोगों का नहीं होगा। लोग कोशिश करेंगे कि आपको किसी तरीके से अप्रिशिएट करें, आपको सपोर्ट करें, आपके लिए कोई मदद कर सकते हैं तो वो मदद करने में कामयाब हों। और आज के दिन आपको लोगों की मदद से, लोगों के तावन से भरपूर कामयाबियाँ मिलती नज़र आती हैं। पाइसिस, पाइसिस वालों का ये कि आज अपने काम के अंदर जो आपकी दिलचस्पी ख़त्म हो चुकी थी वो आज दिलचस्पी बढ़ती हुई नज़र आती है। आज आप दिलजमी से अपने काम को करने की कोशिश करेंगे, आज अपने काम को बहुत दिलजमी से समझने की कोशिश करेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे और भरपूर एफर्ट करेंगे, जिससे आपको अपने काम के अंदर ना सिर्फ मज़ा आएगा बल्कि अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। मौसी तौर पे भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आज अचानक पैसा मिलने का इम्कान है, अचानक मौसी तौर पे तरक्की हो सकती है, अचानक जो है वो आप किसी जगह से किसी ज़रिए से आपको किसी जगह पर बहुत बड़ा नफ़ा जो है वो हासिल होने का इम्कान है। कुछ नए क्लाइंट्स, कुछ नए दोस्त, कुछ नए जो कामयाबियाँ जो है वो आपकी ज़िंदगी में आती हुई नज़र आती हैं। तो ये एक मुख्तसर सा जायज़ा था आज के लिए। अगर आप अपना जायचस्त खराब बनवाना चाहते हैं, लकी स्टोन हासिल करना चाहते हैं, या अपने बहुत सारे की लोहे मुश्तरी, लोहे तारत, लोहे शाम्स, लोहे जोरा, सात तारों की लोह बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आज तमाम पुरुषों के लिए सदकात में जो खसूसी तौर पर जो है वो अंडे का सदका बहुत अहम है। अंडा जो है वो जरूरतमंदों में अंडे या ब्रेड की शक्ल में भी आप लोगों को नाश्ते की शक्ल में जो है वो राशन की शक्ल में जो है वो दे सकते हैं ताकि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। इसके अलावा आज के दिन जो है वो आपके लिए अगर आप वजीफ़ा करना चाहते हैं, इसमें आज़म करना चाहते हैं तो तमाम बुर्जों के लिए जो इसमें आज़म होगा या गफूर का व्रत जो है वह कसरत करें। अवला का सात सौ दफ़ा दुरुशिव के साथ साथ आज के दिन जो आपके लकी नंबर्स हैं वो हैं 1, 7 और 9। 1, 7 और 9 जो है ये 10 पहले 10 नंबर में से आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। दुआ को है कि अल्लाह ताला आज का दिन हम सबके लिए कामयाबी, खुशहाली, तरक्की का बाइस बने। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।